हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एनालॉग एम्पियर मीटर और सिलेक्टर स्विच की वायरिंग कैसे होती है। ठीक है, तो दोस्तों वही हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। आपको ये हमारे तीन सिटी हैं, 1, 2, 3, ये आर फेस में, ये वाई फेस में, ये बी फेस में लगी हुई है। दोस्तों देखना, आर फेस की हमारा S1 कनेक्ट, ये S1 है हमारा, ये हमारा S2 है, ये S1, S2। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा जो आर फेस की जो सिटी का जो S1 आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा हमारे जो सिलेक्टर स्विच पे, ASS पे, आर फेस पे आ जाएगा। ऐसे ही हमारा Y का भी आ जाएगा, सेम ऐसे ही हमारा B का भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो S2, जो तीनों सिटी का हमारा शॉर्ट रहता है आपस में, वो शॉर्ट होके हमारा डायरेक्ट आ जाएगा A2 पे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारा A1। A1 से हमारी डायरेक्ट वायर निकल के जाएगी सीधा हमारा एम्पियर एनालॉग एमीटर के A1 पे, और A2 से हमारी वायर निकलेगी, ये जो हमने जो शॉर्ट की है A2 पर आएगी जो हमारी वायर, वो आ जाएगी हमारी A2 पे। ठीक है, एम्पियर मीटर पे। तो ये वायरिंग डायग्राम था, हम आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देते हैं कि कैसे हो रखी है वायरिंग। ये देखिए आप, ये R, V और Y। ठीक है, ये हमारा S2 आ गया, ये हमारा S2 यानी कि A2 है, और ये हमारा A1 है, ये हमारा मीटर पे गया है। ठीक है, ये हमारे मीटर पे गए हैं, ये देख सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से। तो ये थे इसकी वायरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।